लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का आम बजट शुक्रवार को पेश किया। विधानसभा के पटल से बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव के दौरान दिए अपने नारे नरवा गरवा घुरवा बारी पर ज्यादा फोकस किया है। बजट में सीएम भूपेश ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए कई तरह की घोषणाएं की हैं। इस बार के आम बजट को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां इस बजट को जनहितकारी और लोक कल्याणकारी बताया है, तो वहीं भाजपा ने सरकार के इस बजट को लोगों के हित के अनुरूप नहीं माना है। कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश सरकार ने आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए बजट पेश किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार ने लोगों से जो वादा किया था वो बजट में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार का पहला बजट गाँव, गरीब और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास के द्वार को खोलने वाला बजट है। 2 लाख युवाओं को रोजगार, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी में स्किल डेवलपमेंट के तहत, और खेती का विकास, कृषि लागत में कमी, सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी, और जिस राज्य की अर्थव्यवस्था किसानी पर आधारित है वहाँ पर यदि किसानी अच्छी होगी, समृद्ध होगा किसान, तो उद्योग व्यापार धंधे अपने आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा बजट, जनहितकारी बजट, छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते खोलने वाला बजट। कि एक नई सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, जिस प्रकार से आम जनता को, प्रदेश की जनता को एक बजट से उम्मीद थी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को, चाहे उसमें युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या आम आदमी हो, मजदूर हो, मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से निराशा यहाँ पर दिखाई दे रही है। न तो कोई शिक्षा के लिए व्यवस्था की, न ही नक्सलवाद के मामले पर किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई, न तो अन्य वर्ग, युवा वर्ग के लिए किसी प्रकार की बात हुई, महिलाओं के लिए बातचीत नहीं हुई, शराबबंदी के लिए बातचीत नहीं। कुल मिलाकर वही एक दो उनकी घोषणाएं, जिन घोषणाओं के आधार पर वो सरकार पर बैठे, शगुफे तमाम प्रकार के उन्होंने किए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक निराशाजनक बजट छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर प्रदर्शित हुआ। और इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार केवल शगुफे के आधार पर और केवल लोगों को भ्रमित करके ये सरकार यहाँ पर आई है, इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाई है। क्योंकि एक आपकी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बजट जो होता है, बजट के अंदर में पूरे वर्ष भर के लिए एक विज़न दिखता है कि आने वाले साल भर के लिए सभी क्षेत्रों में ये किस तरह के काम करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज किसी भी क्षेत्र में ये कह नहीं सकते कि स्थायी तौर पर या कोई बेहतर तरीके से उस क्षेत्र में काम करने के लिए काम करेंगे। कृषि के लिए, कृषि विकास के लिए केवल कर्जे माफ़ की बातचीत करना नहीं, कर्जा माफ़ आप कर रहे हैं, ठीक है, कितना कर रहे हैं ये भी सबके सामने खुल गया है, लेकिन कृषि को बढ़ावा देने के लिए और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बीज संग्रहण से लेकर संसाधनों से लेकर बिजली जो बिल है वो हाफ किया जाता है, इस पर भी कहीं किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। संपत्ति कर के मामले को लेकर शहरी क्षेत्रों के और सभी लोगों की आशाएं थी कि संपत्ति कर हाफ होगा, लेकिन संपत्ति कर के मामले में भी कहीं बजट में कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये पहला बजट जिस पर न केवल प्रदेश की जनता को बल्कि हम सबको, विपक्ष के लोगों को भी लगा था कि शायद ये सरकार पहली बार बनी है तो कुछ अच्छा बजट देगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट था, ये पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट रहा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।